Good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for IB interview, and this session is going to be very fruitful. So my team is ready. Yes, are you comfortable? Yes sir. Okay, Mr. Lavish, you are from Sadhu Shahr, right? Yes. And here we would like to interact you the person who has come to us from Jhunjhunu. Next, as IB aspirant, she is from Punjab, and they would be asking you certain questions. Okay, okay sir. So सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा, तो हमें छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. I'm Lavish Kalada. Okay. My name is Loving. Sir, मैं अपने नाम के एकदम सिमिलर हूँ. Right. I am philanthropist and amiable person. Right. Sir, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, which is also known as the food basket of Rajasthan. Very good. I have done my graduation with 74% from Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. आपने अपनी 10th standard कौन से स्कूल से की थी? CR Senior Secondary School, Sadhu Shahr. Sadhu Shahr. Senior Secondary. Okay. और परसेंटेज आपके कितने बने थे 10th स्टैंडर्ड में? सर 75. ओके. अब आईबी की तरफ जब आपने अपना रुझान बनाया, तो क्या आपने सिर्फ आईबी का ही एग्जाम दिए या और भी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए? नहीं सर, मैंने और भी एग्जाम्स दिए. कौन कौन से? सर जैसे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी उस वक्त मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया सर. राइट. और मेरा रिजल्ट आने से पहले ही मेरा पैरामिलिट्री का सर फिजिकल क्लियर किया मैंने. वेरी गुड. उसके बाद मैंने उसका एग्जाम्स क्लियर किया. गुड. और सर मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की. फिर मैंने सर मेडिकल भी क्वालिफाई किया. Good. अपने फर्स्ट चांस में. दैट्स ग्रेट. और सर उसके बाद फिर आपका उसमें हुआ नहीं? सर मैं उसमें फाइनल कटऑफ में एक नंबर से रह गया सर. वेरी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छी बात थी. मुझे सर पूरी मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा. ओके. इसके अलावा कोई एग्जाम आपने दिया हो? इसके अलावा सर मैंने इस साल दोबारा दिया था. ओके. और सर इस बार पैटर्न चेंज था, पहले एग्जाम था और मैं एग्जाम में 0.06 से रह गया सर. ओके. चलिए, वी हैव अनदर एस्पिरेंट, शी इज आल्सो गोइंग फॉर आईबी, सो मैं चाहूंगा इनको भी मौका मिले. राइट, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस. यशन, आप आईबी में आना चाहते हैं, आईबी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम, आईबी मींस इंटेलिजेंस ब्यूरो. ओके. ये हमारे देश की वो संस्था है जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है. आईबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है. इसका लोगो है ऑलवेज अलर्ट. इसको हमेशा अलर्ट रहना है देश की सुरक्षा के लिए. आईबी की जो स्थापना है ये 1887 में हुई थी, लेकिन 1947 के अंदर ये भारत सरकार के अंडर काम करती है. हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये विश्व की सबसे पुराना खुफिया संगठन है. इसका मेन काम है आतंकवाद, नक्सलवाद, वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी और जितने भी बड़े मुद्दे हैं देश की सुरक्षा के, उनकी जाँच आईबी करती है. आईबी का काम है किसी दुर्घटना को होने से पहले ही देश को अलर्ट करना ताकि देश उसके ऊपर काम कर सके. ओके. ये अपना काम बहुत ही गुप्त रूप से करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से. नक्सलवाद के बारे में बताइए. सर, नक्सलवाद हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है. नक्सलवाद उन लोगों ने शुरू किया जिन्हें यह लगा भी सरकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही. जब उन्हें यह लगा भी अब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने सरकार से मांगने की बजाय हथियार उठा लिए. हालांकि ये गलत है सर, लेकिन उस वक्त उन लोगों को यही सही लगा कि अब हमें अपने अधिकार चाहिए. इसकी शुरुआत की थी चारू मजूमदार और उनके एक मित्र सान्याल ने. उन्होंने सिर्फ अपने खेती के जो अधिकार थे उनके लिए की थी, लेकिन बाद में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उन्होंने इसे गलत मोड़ पर ले गए और युवाओं को गलत शिक्षित करके सरकार के खिलाफ वो लोग खड़े हो गए. okay. और जो इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाके से, इसलिए हम इसे नक्सलवाद के नाम से जानते हैं. प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. यशिन, इस पर हाईलाइट करोगे आप थोड़ा सा इस टॉपिक पर, नक्सल्स पर, नक्सलाइटिस पर, कि आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, क्या मोड हो? सर, नक्सलवाद को हटाने के लिए हमें वहाँ जिस क्षेत्र में ये नक्सलवाद है वहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन जो नक्सलवादी हैं वो डेवलपमेंट भी होने नहीं दे रहे. ओके. तो हमें साथ साथ उन्हें हटाना भी होगा और साथ साथ डेवलपमेंट भी करनी होगी, तभी इससे छुटकारा पा सकते. राइट. चलिए, मुझे बताइए कि आपने वर्ड सुने होंगे सीबीआई, रॉ, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्या एज कम्पेयर टू योर आईबी? यस सर. तो सीबीआई कैसे डिफरेंट है? सर, सीबीआई एक तरह से पुलिस ही है. ओके. ये किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है, उसके घर की जांच कर सकती है, उस पर मुकदमा कर सकती है. राइट. सीबीआई का सर जो मेन काम होता है, अगर जो वीआईपी मुद्दे होते हैं ये सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर, अगर कोई आर्थिक मापदंड है और उससे लेकर अगर कोई हत्याकांड है बड़ा,
उन सभी की जांच सीबीआई करती है सर। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस वक्त सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋषि जी शुक्ला, और आईबी के आईबी हैं सर अरविंद कुमार। ओके, सो मिस्टर अम्बेडकर, आप एक मार्टिर फैमिली से हो राइट, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं झन्नू बगड़। बगड़, ये विलेज बहुत फेमस है मार्टियर्स के लिए, राइट? यस। और आपके ब्रदर भी एक मार्टियर रहे हुए हैं। ओके, हिज नेम वाज प्रशांत कुमार बुंदेला। हिज डेजिग्नेशन वाज, उनकी पोस्ट क्या थी? स्क्वाड्रन लीडर। तो आप कभी भी जब उनका नाम लेंगे तो आपको हमेशा ये बोलना चाहिए स्क्वाड्रन लीडर, अंडरस्टूड? मतलब उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है उनकी पोस्ट से। चलिए आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स। अच्छा, नक्सलवाद में सुधार करने के लिए आप क्या करना चाहोगे, मतलब इस खत्म करने सर, के लिए? नक्सलवाद में सुधार करने के लिए हमें वो क्षेत्र जहाँ नक्सलवाद है वहाँ पर डेवलपमेंट करनी होगी, वहाँ पर लोगों की बेसिक जरूरतों को देखना होगा, या यातायात के साधन, या जब वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना होगा जिससे उन लोगों की जो आम जिंदगी है रोजमर्रा की वो बेहतर बने। लेकिन उसके साथ हमें अपने साथ सुरक्षा बलों को भी रखना होगा, हालांकि वहाँ पर CRPF काम कर रही है, क्योंकि जो नक्सलवाद एरिए के जो लोग हैं वो आपको वहाँ पर डेवलपमेंट करने नहीं देंगे सर, क्योंकि ये पहले एक समस्या थी लेकिन अभी उन लोगों का एक अलग एजेंडा है। CRPF की फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, चलिए हमें ये बताइए कि आप इस तरफ मोटिवेट कैसे हुए आईबी की तरफ? सर मैं शुरू से ही देश की सेवा करना चाहता था। ओके, इसके लिए सर मैंने आपको बताया भी मैंने कि पैरामिलिट्री एग्जाम भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं देश की सेवा तो आप किसी भी जॉब में कर सकते हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आपको नहीं लगता डॉक्टर के द्वारा भी आप देश की सेवा कर सकते हैं? सर कर सकते थे, लेकिन ये एक सर एक अलग चीज है आईबी। ओके, फिर आपने बायोलॉजी को सोच के लिया होगा कि मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ एम में जाना है, और बायोलॉजी आपने वैसे ही ले लिया था? नहीं सर, उस वक्त मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है। ओके, और सर मैंने उसके लिए एग्जाम भी दिया था RPMT का, बट सर उसके बाद मैंने उसकी तैयारी नहीं की। ओके, और मैंने BSc की किताब में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँ और अपने सर फादर के एक फादर का एक गुड एडवांस है सर। ओके, चलिए अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए हमें। वी आर 6 मेंबर्स इन आर फैमिली। ओके, माय फादर हैज ए ग्रोसरी शॉप, माय मदर इज ए हाउस वाइफ, आई हैव 3 एल्डर सिबलिंग्स, माय एल्डर सिबलिंग इज ए गवर्नमेंट टीचर एंड अदर 2 आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वेरी गुड, तो आपकी जब सिस्टर टीचर बनी तो आपने इस तरफ अपना रुझान नहीं समझा बनना, क्योंकि टीचिंग भी एक नोबल प्रोफेशन है? सर टीचिंग भी एक नोबल प्रोफेशन है, और वो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि उसकी समाज में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। यस yes। लेकिन सर मेरा खुद जो मेरा शौक है बचपन से, ये एक मतलब साहसिक कार्य की तरफ था कि मैं okay। एक क्रेजियस व्यक्ति हूँ, मुझे एक नई नई चीज़ें देखना, एडवांटेज काम करना अच्छा लगता है, उसके लिए सर अभी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके okay। क्या आप हमें अपनी वीकनेस बता सकते हैं, क्या कमजोरी आपके अंदर? सर आई एम लिटिल बिट मोर टॉकेटिव। ओके, एंड वर्कोलिक पर्सन सर। ओके, देखिए वर्कोलिक तो हमें पसंद आया क्योंकि आप ऑलरेडी इस काम में हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव वर्किंग दोनों हैं, तो हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। आपकी हॉबीज क्या है? माय हॉबीज आर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड मेकिंग फ्रेंड्स। दैट्स गुड। आप जानते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर जॉब में? यस सर। बताइए। सर जो इसमें मेरा प्रोफाइल है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें सर पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि फील्ड जॉब ज़्यादा, इसमें आपको जो लोकल की जो सूचनाएं हैं डाटा उन्हें कलेक्ट करके अपने जो सीनियर ऑफिसर होंगे जूनियर स्केल सेकंड, जूनियर स्केल फर्स्ट, उन्हें उसकी एकदम सही सूचनाएं देनी है सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो आपकी हॉबीज मैच करेगी क्योंकि आपको नए नए कल्चर में जाना अच्छा लगता है। ये हॉबी आपकी कैसे डेवलप हुई, नए कल्चर को जानना कुछ? सर जैसे मैं एक दो बार जैसे जयपुर, जोधपुर, अमृतसर गया। अच्छा, वहां पर सर मैंने जैसे कल्चर देखा, राजस्थान के अंदर राजपूताना कल्चर, पंजाब के अंदर सर सिखों का कल्चर, अमृतसर के अंदर okay। जैसे आप ये आईबी का एग्जाम वहीं हुआ फर्स्ट और सेकंड जो मैंने क्वालिफाई किए। यस यस। तो तभी सर मैंने वहाँ सिखों का कल्चर देखा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनका अपने गुरुओं के प्रति सम्मान, उनका रहन सहन, उनका सभी सिस्टम बहुत अच्छा लगा सर। यशन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप जानते हैं कुछ? यस मैम, बताइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 के अंदर हुआ था, जो कि सभी जानते हैं कि भिंडरावाला उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक विश्वास पात्र था। ओके okay। लेकिन उस वक्त ये मानते हैं कि उसे ये लगा भी जब सारा पंजाब मेरे अंडर है
तो क्यों ना मैं मुख्यमंत्री बनूं, जब सभी हैं मेरे साथ, मैं इंदिरा गांधी के लिए काम क्यों करूं। ये बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। उस वक्त जो भिंडरा वाले थे, फिर उन्होंने हरिमंदर साहब जो कि सिखों का विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है अमृतसर में, वहाँ शरण ली। और वहाँ उनके पास कह जाता है कि हथियार थे, उनके पास अपनी पूरी टीम थी। वहाँ पर फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया कि वहाँ पर जो भिंडरा वाला उसको ख़त्म करना है, और अमृतसर पर अटैक किया गया। इसका खामियाजा देश को यह भुगतना पड़ा कि इंदिरा गांधी के जो दो बॉडीगार्ड थे जो कि सिख थे, उन्होंने उन पर अटैक किया जिससे उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद 1984 अभी तक का भारत का एक बहुत ही बुरा टाइम रहा है सर। एनी करंट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कुछ जीके से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पुट अप करें। वर्तमान में जो पंजाब के अंदर जो ये खालिस्तान है, इसका फिर से हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर पहली बात तो ये है कि खालिस्तान सिखों की मांग नहीं थी। okay. उनको ये था कि उन्हें एक अपना अच्छा राज्य चाहिए पंजाब। ये तो जो राजनीतिक दल हैं उनको फैलावे भी ने खालिस्तान चाहिए जहाँ पर सिर्फ खालसा रहते हों। सिखों की ऐसी कोई मांग नहीं थी। पंजाब सर शुरू से एक बहुत ही अच्छा राज्य रहा है। आप जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो पूरी पंजाब चला गया पाकिस्तान में। उसके बाद जो पंजाब सात नदियों का राज्य था उसी में से हिमाचल निकाल दिया गया, और फिर भाषा के आधार पर उसी में से हरियाणा निकाल दिया गया। तो बार बार पंजाब ही क्यों? पूरी पंजाब इंडिया में था, पश्चिम पंजाब गया था पाकिस्तान में। ना पश्चिम पंजाब गया सर। यस सेशन, एनी मोर करंट क्वेश्चन जीके? थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। ओके, सो यू शुड अप्लाई दिस इन योर रियल इंटरव्यूज, बीइंग दिस आर मॉक सेशंस, राइट? यस सर। चलिए, आपने रॉ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। सर रॉ मींस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, ये भी गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। इसका काम होता है सर देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को बनाए रखना, हमारे पड़ोसी देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी सभी गुप्त जानकर रखना। ये एक सर डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है, और इसमें आपको अंडरकवर रहकर अपने जो मिशंस होते हैं उनको अंजाम देना होता है। okay. इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं अनिल दमसाना। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस जॉब के अंदर आप अपनी प्रोफेशनल करियर को ज़्यादा वेटेज दोगे या पर्सनल करियर को? सर प्रोफेशनल को। रीज़न? क्योंकि सर मेरे लिए मेरा काम सब कुछ है, और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये मौका मुझे आईबी के अंदर मिलेगा। आपने बताया कि आपके पापा बिजनेस करते हैं ग्रॉसरी शॉप का, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने फादर को भी सपोर्ट करना चाहिए शॉप में? क्या नहीं लगता आपको ये जरूरी है? सर जरूरी है, लेकिन मेरे फादर उस शॉप को अच्छे से चला रहे हैं। ओके okay. और वहाँ पर अभी अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब लग जाता हूँ, और वो भी आईबी के अंदर, तो इससे सर समाज के अंदर एक रिस्पेक्ट मिलती है, मेरे ड्रीम्स भी कंप्लीट होंगे जो मेरे एसएससी में नहीं हो सके। ओके okay. और यही वो प्लेटफार्म है जिससे मैं अपनी लाइफ के सभी ड्रीम्स कंप्लीट कर सकता हूँ। आपके आइडियल कौन है? सर मेरे आइडियल हैं रविंद्र कौशिक। ओके रविंद्र कौशिक, दैट्स ग्रेट। वो तो इंडियंस के बहुत बड़े व्यक्ति माने गए हैं। यस राइट, चलिए उनके बारे में कुछ बताइए। सर रविंद्र कौशिक जिसे हमारे इंडिया के अंदर एक टाइटल दिया गया है ब्लैक टाइगर, और सबसे बड़ी बात वो हमारे श्री गंगानगर के हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। यस yes. सर उनकी मेन क्वालिटी ये थी कि वो ड्रामा के अंदर सर बहुत ही एक अच्छे हीरो थे। ओके okay. और एक बार जब वो लखनऊ के अंदर सम्मान लेने गए, तो वहाँ पर रो के कुछ अधिकारी आए थे, उनकी नज़र उन पर पड़ी कि ये जो बंदा, ये पर्सन बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। तो उन्होंने प्रपोजल दिया, क्या आप राह के लिए काम करेंगे? तो रविंद्र कौशिक ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी सर देश के लिए कुछ करना चाहते थे। राइट। फिर उन्हें 2 साल का दिल्ली में कठिन प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें पूरे मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, नमाज पढ़ना सिखाया गया। और सर उनकी एक और क्वालिटी थी कि वो गंगानगर से बिलोंग करते थे जिसकी सीमाएँ पाकिस्तान से लगती हैं, तो वो पंजाबी भाषा वो पहले से बोलते थे जो कि पाकिस्तान के एक, मतलब आप कह सकते हैं कि 70% क्षेत्र में बोली जाती है। okay. तो इसका उन्हें बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट मिला। और सर फिर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, और वहाँ से लॉ की। और सर सबसे मेन बात यह है कि वो सेना के अंदर एक कमिश्नर पद पर तैनात हो गई। Great. और उनके ही कारण जो भारत था वो हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा। अगर इसका श्रेय किसी को दे सकते हैं तो वह है रविंद्र कौशिक। okay. जिन्होंने अपनी जिंदगी के, हम कह सकते हैं 23-24 साल देश की सेवा की पाकिस्तान में रहकर, ये एक छोटी बात नहीं है सर। राइट,
तो बिल्कुल कल अगर आपको मौका मिले आईबी में भी कुछ ऐसा स्टेप उठाने में या कुछ करेजियस टास्क करने में, तो आप कर लोगे? तो सर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, और मान लीजिए आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता तो क्या करोगे? सर आई वॉन्ट टू मेक माई करियर सच एन एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा। दैट्स गुड, क्योंकि सर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसके एग्जाम के लिए, फिर डिस्क्रिप्टिव और अब इंटरव्यू। अपने जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने सीखा कि कैसे तैयारी करनी है। मतलब मुझे ये है कि मैं रहना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि सर अब ये मेरी फाइनल स्टेज है। राइट, लेकिन बट अगर अनफॉर्चुनेटली सर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो ये कह सकते हैं कि मुझे कम से कम अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा सर, एंड आई विल वर्क अपॉन इट। वंडरफुल, वंडरफुल, रियली यू आर गिविंग अ गुड आंसर। क्या आप उसके ऊपर वर्क करोगे और डेफिनेटली सिलेक्ट नेक्स्ट टाइम जरूर? सर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि जो ट्राई ट्राई अगेन पर यकीन रखता हूँ। दैट्स गुड, सो रियली आई होप कि इनको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए एंड डेफिनेटली विल गेट सिलेक्टेड, आई प्रॉमिस टू यू। ओके, थैंक यू। सो जेंटलमैन, ओके, बेस्ट विशेस टू यू।